सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपके सामने दो अकाउंट में बैलेंस शीट बना के चल रहा हूं, ठीक है? पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। एक है हमारा बैलेंस शीट नंबर वन और एक बना लिया बैलेंस शीट नंबर टू। इसको मैं बनाने वाला हूं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल जो कि बनाते थे हम, और इसको मैं बनाने वाला हूं प्रोविजन के हिसाब से, प्रोविजन के हिसाब से, ठीक है सर? नॉर्मल और प्रोविजन के हिसाब से। चलिए आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे, अगर मान लेते हैं मेरे पास एक मशीनरी है और सपोज करो मशीनरी मेरा 10,000 का है और डेप्रिसिएशन SLM लग रहा है, डेप्रिसिएशन 10% SLM लग रहा है, तो 1,000 रुपये बचा कितने का? 9,000। दूसरे स्टाइल में पता है क्या होगा? मान लो मशीनरी है, मशीनरी 10,000 का है, अब डेप्रिसिएशन हम इधर ना लगा के इधर लिख देंगे, इधर ना लगा के हम इधर लिख देंगे, PFD बोल रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसको ना एक और नाम से जाना जाता है, एक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से भी जाना जाता है ये। प्रोविजन फॉर डेप 10% मैं 1,000 लगा दूंगा, 1 साल कंप्लीट, 2 साल में आपको समझ में आ जाएगा दोनों में फर्क क्या है। 1 साल कंप्लीट। आ जाइए सर दूसरा, और अभी आपने ना अगर करा हो अच्छे से कैश फ्लो स्टेटमेंट तो वहां पे भी आया था ये। अब सर दूसरे साल में हमारा यहाँ मशीनरी कितना आएगा? दूसरे साल में देखा जाए तो मशीनरी आएगा 9,000, और दूसरे साल में डेटा देखा जाए तो ये तो PFD आ जाएगा हमारा कितना सर? 1,000, और यहाँ मशीनरी आ जाएगा 10,000। अगर अगले साल फिर से हमें डेप लगाना हो तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन 1,000। अरे गलती हो गई ये तो। अगर दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगाना हो तो मैं इधर ना माइनस करके इसी में प्लस कर दूंगा डेप्रिसिएशन 1,000, लेकिन इस वाले मेथड में क्या करूंगा? माइनस डेप्रिसिएशन करूंगा 1,000 रुपये, तो यहां कितने बचे? 8,000। यहां कुछ भी ऐसे ही रहने वाला है। तीसरे साल की बात करते हैं, तीसरे साल की बात करते हैं, तीसरे साल में हमारा यहां मशीनरी आ जाएगा कितने का? और फिर से अगर डेप लगाना हो 10% SLM है, डेप आ जाएगा 1,000, तो बचे कितने? 7,000। लेकिन यहाँ पे मुझे तीसरे साल में देखा जाए तो मशीनरी कितने का होगा सर? 10,000, और यहाँ पे PFD जो आएगा पुराने वाला वो 2,000, और प्लस न्यू वाला आ जाएगा हमारा डेप्रिसिएशन 1,000, और यहाँ पे आ जाएगा कितने हमारा? 3,000। तो यानी सर जो हमने पहले मशीनरी अकाउंट किया था ना, जो हमने पुरानी क्लासेस में मशीनरी अकाउंट किया था फॉर्मेट में, तो हम देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसी में से डेप माइनस कर रहे थे, फिर एसेट्स का बैलेंस बच रहा था। तो ये वाला जो डेप्रिसिएशन हम लगा रहे थे ना, पता वो क्या था कि हम एसेट्स में से डेप हर बार माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये वाला जो मेथड है ना, वो पता है कौन से वाला चल रहा था हमारा? ये वाला। लेकिन इस वाले मेथड में क्या है, आपको मना किया जाता है, बोला जाता है कि आपको इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना, डेप्रिसिएशन को अलग जगह पे आपको रख के इकट्ठा करते जाना है। तो इकट्ठा करने को बोला जाता है एक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमलेट का मतलब क्या होता है? पूरा इकट्ठा। एक्यूमलेट का मतलब क्या होता है हमारा? इकट्ठा। तो ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल लो या एक्यूमलेटेड डेप्रिसिएशन बोल लो, ठीक है ना? तो इसका मतलब यहां तक ही आ जाता है सर। अगर ये हम देख लें प्रोविजन फॉर डेप और एक्यूमलेटेड डेप, तो अब बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, हमें ये वाला तो हम डन कर चुके हैं, अब हमें सीखना है ये वाला। यानी यहां पे देखा जाए ना, अकाउंट के अंदर आप ध्यान से देखो, आप समझो बातों को तो आपको इजीली होगा। इस अकाउंट के अंदर ना हम काम क्या कर रहे हैं, एसेट्स भी इसी में रख रहे हैं, डेप भी इसी में रख रहे हैं, यही काम हो रहा है। अब जो हमें डेप को दूसरे मेथड में क्या कहा गया भैया, डेप को एक साथ कोलैप मतलब मत करो, डेप को क्या रखो आप? अलग। तो अब जब हम प्रोविजन वाला मेथड अप्लाई करेंगे ना, तो हम मशीनरी को अलग रखेंगे और डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन के लिए देखो सेपरेट ही तो बना रहे हैं इस वाले एग्जाम्पल में, है ना? डेप्रिसिएशन के लिए अलग अलग करते जा रहे हैं। तो अब इस वाले मेथड में भी क्या करना पड़ेगा, आप हमें बताओ, डेप्रिसिएशन को
अलग से बनाना पड़ेगा। तो यानी जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा ना, तो बड़ी सीधी सी बात है, दो अकाउंट बनने वाला है सर। सर दो अकाउंट कौन सा बनेगा? चेंज मेथड हो, कुछ मेथड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे हमने पहले सीखा वही रहेगा, बस दो अकाउंट बनेगा। और एग्जामिनर ज्यादातर सवाल पूछ लेता है इस टॉपिक से। दो का मतलब एक ये, ये देखिए दो अकाउंट बनेंगे ना, ये बनाएंगे हम मशीनरी अकाउंट, और ये बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अब पिछला सवाल अगर आपने देखा हो तो पिछला सवाल दो पैटर्न पे बन रहा था सर। कौन कौन से दो पैटर्न? एक पैटर्न तो हमारा पिछला सवाल बन रहा था कि हम क्या कर रहे थे कि नई मशीनरी खरीद के फिर डेप लगा रहे थे, और एक बन रहा था जिसमें पुरानी मशीनरी था उसको हम आगे पीछे करके डेप लगा रहे थे। तो इसमें भी ऐसा दो बातें हो सकती है, या तो पूरा नया ही सवाल हो सकता है हमारा कि नए सवाल पे हम करें, और एक ऐसा हो सकता है कि नए सवाल ना हो के हमारा क्या हो, पुराना हो और उसके ऊपर डेप की लगाने की हम बात करें। समझ में आ रही है बात आपको? तो अभी हम नए वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद पुराने वाला भी देख लेंगे। तो यहां पे क्या आएगा? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। समझ में आ रही है बात आपको? अब ये एसेट्स अकाउंट है, यहां पे क्या लिखेंगे? जैसे मान लेते हैं ईयर फर्स्ट में मैं फर्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है, डेट तो नहीं लिख रहा, तो मैंने लिखा जब नई एसेट्स खरीदेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू बैंक, यहां पे लिखने वाले हैं टू बैंक, ठीक है, यहां पे लिखा टू बैंक। इसके बाद अब क्या करते थे? डेप्रिसिएशन इधर लगाते थे, तो इधर नहीं लगाना, अब डेप्रिसिएशन यहां लगाएंगे, बाय डेप्रिसिएशन। पहले फर्क समझिए आप, पहले क्या करते थे? डेप यहीं पे लगा देते थे साथ के साथ, अब कहाँ लगा लिया हमने? दूसरे साइड में। अब लगा दिया दूसरे साइड में, पहले साल का हमारा काम डन हो जाता है, फिर हम इसको क्या करते हैं? टोटल कर लेते हैं। तो ना ये वाला जो मेथड है ना, भले अकाउंट दो बन गया लेकिन आसान है उससे। पहले क्या होता था? कैलकुलेशन माइनस करो, अब झंझट ही खत्म हो गया। बैलेंस सीडी, अच्छा एक लाइन ना यहाँ खींचना भूल गया मैं, डेट का, चलो डाल देते हैं एक डेट का लाइन। पहले पर्टिकुलर को शिफ्ट कर देते हैं, चलो अब डेट को भी कर देते हैं, ठीक है, ये बन गया डेट। सर डेट क्या आएगा? हाँ लास्ट का डाल देते हैं, 31 जो भी है वो आ जाएगा, इसमें भी डाल देते हैं, कोई बात नहीं। पहले यहां तक देखो समझ में आया आपको क्या? पहला साल किसी को दिक्कत? अभी बुक का एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम। इसके बाद आ जाते हैं हम, इसको बनाएंगे बैलेंस बीडी। कब सर? सेकंड ईयर में। इसको बैलेंस बीडी बनाएंगे हम सेकंड ईयर में, और टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब जैसे बैलेंस बीडी बनेगा फिर दूसरे साल में डेप लगने वाला है, अब इसको भी बीडी करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मेहनत आपका एक बढ़ जाता है कि सर इसका ये तो डेप लगा होगा हमारा एंड में, तो ये भी टोटल यही आ जाएगा, ये टोटल इधर आ जाएगा, और इधर बनेगा इसका टू बैलेंस सीडी, और ये सीडी आएगा फिर से एंड में। यानी मजे की बात, इधर भी एंड का डेट और इधर भी एंड का डेट, लेकिन यहाँ पे क्या है? इधर शुरू का डेट और इधर
एंड का, यहाँ पे शुरू का डेट अब अगले साल से आना चालू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सेकेंड ईयर होगा स्टार्टिंग का, और लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। सपोज के ये 1000 रुपये है, तो 1000 रुपये उठ के इधर आया होगा। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन अगर मुझे चार्ज करना है तो मुझे यहाँ अलग से करना पड़ेगा, बाय बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। और ये मैंने बाय डेप्रिसिएशन चार्ज किया और ये अकाउंट ख़त्म हो गया। सर अगर एक और मशीनरी खरीदा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे टू बैंक करके एक और मशीनरी खरीद लेंगे, यानी जैसे पहले खरीदते थे वही रहेगा। और यहाँ पे अब दो दो डैप लग जाएगा, डैप वन है ये, आप एक और मान लेते हैं, यहाँ पे एक लग गया डैप टू मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पहले था, अगर आप ध्यान से देखो ना, एकदम ध्यान से सोचो, तो यही काम ना हम इधर करा करते थे, उसको उठा के एक अलग अकाउंट में कर दिया, और तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी आ जाएगा सर। ये भी कब आएगा सर, एंड में आएगा। इसके बाद थर्ड ईयर के अंदर आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में, ठीक है ना, ईयर के स्टार्टिंग में। सर सेकेंड ईयर ये भी क्लोज कर देंगे, ये भी क्लोज कर देंगे। अब एक जो बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे ना, उनके माइंड में एक ख्याल आ रहा होगा, सर अगर बिकेगा तो क्या होगा, बैलेंस सीडी। और जो समझ नहीं रहे होंगे वो तो सोचेंगे कि कब नोट करने का मौका मिले हमें। तो भाई कहानी ऐसी ही है, बस एंड में आ गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे फिर से थर्ड ईयर में क्या बनेगा, टू बैलेंस बैलेंस बीडी, ठीक है ना। टू बैलेंस बीडी के बाद मान लेते हैं एक और मशीनरी खरीदा, तो क्या लिखेंगे सर, टू बैंक। एक और मशीनरी खरीदा, टू बैंक। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास पहले से दो मशीनरी है, उसका डैप और ये। सपोज मैंने एक मशीनरी बेच दिया तो मैं लगाऊंगा डैप नंबर टू, एक तो बिकी गया, डैप नंबर थ्री पे लग जाएगा, एक बिक गया, ठीक है ना। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पहले मशीनरी का डैप लगा रहा हूँ हर जगह पे, मान लेते हैं 10 रुपये, SLA में चल रहा है 10 रुपये, और यहाँ लगा ही नहीं, साल के शुरू में ही बेच दिया सपोज करो, ठीक है। अब जब बेचेंगे ना मशीनरी तो डैप वहां लगाते थे, लेकिन पहले सवाल में बेचते यहां थे तो नॉर्मली ऐसे ही बेचना है। यहां पे क्या लिखें सर, बाय बैंक से जो भी सेल था यही आ जाएगा, और जो लॉस होता था वही आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी सर कहानी में सिर्फ यही है कि सिर्फ हमने इस अकाउंट से निकाल के डेप्रिसिएशन को बाहर फेंका है, बाकी बेचना खरीदना लॉस प्रॉफिट एग्जैक्टली सेम है जो कि हम पहले कर रहे थे। कितने का बेचा गया सारी बातें होगी, बस एक काम और ध्यान रखना होगा आपको, एक काम और ध्यान रखना होगा, और वो काम क्या होगा पहले यहां तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, जितने बच्चे लाइव क्लास में हैं वो सभी बता दे फटाफट से, कोई दिक्कत है कि नहीं है, फटाफट बता दे कोई दिक्कत है या नहीं है, तो मैं एक जो लास्ट काम है वो मैं करके दिखा दूं। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक अकाउंट समझने में किसी को, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, एक एग्जांपल भी ले लूंगा उसके हिसाब से कर लेंगे, फिर बुक पे आ जाएंगे। सर ये न्यू चैप्टर नहीं, ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, बस खत्म होने वाला चैप्टर है, इसके बाद न्यू चैप्टर करेंगे, नो कोई दिक्कत नहीं। अब जब एसेट्स बिकेगा ना, तो इस अकाउंट में ना, ये मान लो एक ऐसा अकाउंट है जहां पे क्या रखा जा रहा है, सिर्फ डेप्रिसिएशन क्या रखा जा रहा है। अब एक बात बताओ, इसमें डेप्रिसिएशन रखा जा रहा है, अगर मेरी 100 साल पुरानी कंपनी होगी तो बहुत सारा डेप्रिसिएशन होगा, ऐसे तो कंफ्यूजन होगी। तो लॉ ये कहता है कि भैया इसके अंदर डेप्रिसिएशन रखा जा रहा है, बात सही है, लेकिन उसी का डेप्रिसिएशन इसमें रखो जो कि आपके पास चल रहा है मशीनरी, मतलब कि आप यूज में ला रहे हो। अगर कोई एसेट्स आपने बेच दिया ना, तो उसका डेप्रिसिएशन निकाल के बाहर कर दो इसमें से, ताकि इस अकाउंट पे वही डेप्रिसिएशन। तो सर जब डेप्रिसिएशन लगा रहे थे तो बाय में लिख रहे थे, अगर आपको बाहर करना है तो कहां लिखना पड़ेगा, कहां लिखना पड़ेगा, टू में। तो अगर मुझे बाहर करना है ना, तो यहां से डेप्रिसिएशन बाहर कर देंगे और मैं वर्ड लिख दूंगा, क्या सर, मैं लिख दूंगा वर्ड टू, और इस अकाउंट का नाम लिखूंगा मैं मशीनरी, और यहां पे एक और एंट्री आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब जाके हमारा काम कंप्लीट होगा, ठीक है। अगेन इधर पे क्या निकल के आएगा, बैलेंस, बैलेंस क्या निकलेगा, सीडी निकल जाएगा ना। तो अब मैंने क्या किया,
जब कोई एसेट्स बिकेगा तो उसका डेप्रिसिएशन निकाल के बाहर कर देंगे और उसको कहाँ पहुंचा देंगे, मशीनरी में। बस एक ये काम टफ है, आप इसको याद कर लो, समझ लो, जैसे मर्जी कर लो आप। अब यहां पे क्या निकल के आएगा सर, अगेन बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। हाँ प्रॉफिट होगा तो इधर होगा, जो मशीन बिका है ना उसका सारा डेप, जो मशीन बिका। मान लेते हैं कि एक मशीनरी है, मैंने तीसरे साल में बेचा, 10,000 का मशीनरी था, तो पहले 100 का डेप लगा बचा 900, फिर 100 का डेप लगा बचा 800, फिर 100 का डेप लगा बचा कितना 700। तो बिका ये कितने का मान लेते हैं, 600 रुपए का, ठीक है ना, बिका कितने का मान लेते हैं, तो 600 रुपए तो यहां आ जाएगा हमारा सेल में। अब 100 का लॉस हो गया, ये आ जाएगा। अब इस एसेट्स पे जो मशीन बिका उस पर डेप कितने, 3 साल का लगा यानी 300, तो एक 300 रुपये यहाँ आ जाएगा और एक 300 रुपये यहाँ आ जाएगा, समझे बात आप, ठीक है ना। तो ये था हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसके साथ ना एक और अकाउंट बनता है जिसे बोलते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट डिस्पोजल इसके अंदर एक और इंक्लूड हो सकता है, अभी हम देखेंगे। पहले यहां तक बताइए कोई डाउट, इसके ऊपर एक सवाल देख लें कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का कैसे होगा। तो फटाफट से एक सवाल देख लेते हैं, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये एक मिनट, ये तो गड़बड़ हो गई, ये भी मैंने आपके क्लास में कराया था, कहीं और कराया था। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, बैलेंस बीडी स्टार्टिंग डेट का डेप क्लोजिंग डेट। देखो क्या पता सेव ना हुआ हो, देख लेते हैं अभी जो करा था, नहीं होगा तो आपको फिर नोट वीडियो से करना पड़ेगा। आज वाली क्लास हो गया और आगे वाला भी आ गया है, क्या बात है। चलो एनीवेज इसको अरेंज बाद में कर लेंगे। दो अकाउंट बना लेते हैं,
चलिए थोड़ा स्मॉल होगा लेकिन काम पूरा कंप्लीट करेंगे। सब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, करते हैं स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। अभी हमने फॉर्मेट देख लिया, फॉर्मेट के बाद अब ये करते हैं। कहता है 1 अप्रैल को न्यू प्लांट परचेज किया है 80,000 का। तो सर 1 अप्रैल डेट भी ध्यान दीजिएगा, 1/4/2016, और 80,000 का एक प्लांट खरीद लिया, विजुअल है प्रॉपर। अब आगे कहता है फर्दर सम 4,000 स्पेंट ऑन इस इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन कितने रुपए का सर? इंस्टॉलेशन किया हमने यानी इस प्लांट की कीमत पड़ गई 84। 1 अक्टूबर 2018 को अनदर प्लांट खरीद लिया, M2 प्लांट, यानी आपका कब 1/10 कितने रुपए का? 50,000 का। ड्यू टू एक्सीडेंट 31 जनवरी 2019 प्लांट टोटली डिस्ट्रॉयज वॉज सोल्ड 2,000 ओनली। कहता है कि एक एक्सीडेंट हुआ और बेच दिया गया कितने का? कहता है अनदर प्लांट 5,000। ड्यू टू एन एक्सीडेंट ऑन 31 जनवरी 2019 द फर्स्ट प्लांट, कौन से वाला प्लांट? यानी ये वाला प्लांट, एक्सीडेंट होने के कारण इसे बेच दिया गया। और सर इसे जो बेचा गया ना वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड होने के बाद इसे मात्र कब बेचा 2000 का? 31 जनवरी, यानी 31/12/2019 में बेच दिया सर। आगे क्या कहता है? आगे कहता है यहां पे ऑन 21/4/2019 अ सेकेंड हैंड प्लांट वॉज परचेज। एक सेकेंड हैंड प्लांट क्या हुआ? परचेज हो गया। कितने का? 60,000 का एक सेकेंड हैंड प्लांट परचेज कर लिया। एंड फर्दर सम 10,000 वर स्पेंट ब्रिंगिंग, मतलब एक और प्लांट खरीद लिया, P3 बोल लेते हैं, मैंने M गलती से लिख दिया, P3। कब खरीदा सर? जिस दिन डिस्ट्रॉयड हुआ उसी दिन, यानी 31/1/2019 को। दोबारा पढ़ देते हैं लाइन। कहता है सर 21/4/19 को खरीदा, थोड़े टाइम रुक के खरीदा। इक्कीस चार को कहता है 21/4 को खरीदा सेकेंड हैंड प्लांट परचेज ₹60,000। फर्दर सम 10,000 स्पेंट ब्रिंगिंग, यानी सर इसने 60,000 तो खर्च किए ही किए और फर्दर ₹10,000 डेप्रिसिएशन के लगा दिए। सर कितने लगा दिए? ₹10,000 स्पेंट फॉर ब्रिंगिंग सेम यूज के लिए। 15/5 को डेप्रिसिएशन हैज बिन प्रोवाइडेड 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। और ये जो खर्च किए ना इसने 15/5 को किए खर्च सर, यानी कुछ महीने के बाद सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा और कुछ महीने के बाद 15/5 को लगाया, तो प्लांट का कॉस्ट कितना हो गया सर? 70,000। मुद्दे की बात है सर, आप 70 कॉस्ट ले या 60 कॉस्ट ले, तो अगर आप इसके अंदर मेजर खर्चा करते हो कि मशीनरी उसको यूज में लाया जा सके तो सर उसी का पार्ट माना जाएगा। अगर आप ऐसा खर्चा कर रहे हो जो कि मशीनरी को यूज में पहले से था तब किया, तब उसका पार्ट नहीं माना जाएगा।
अब यहाँ पे इसने लगाया कब, 15 जो खर्चा किया इसने 15/5/2019, यूज 15/5/2019 से हुआ, तो यहाँ पे डेप भी कब से लगेगा हमारा, 15/5/2019, ठीक है। हालांकि आगे देखते हैं क्या कहता है। नहीं, पुट टू यूज होगा ना, जिस दिन से यूज करेंगे। अब इस्तेमाल कब से कर रहा है ये, इस्तेमाल तभी से कर रहा है जब हमने 15/5 से इस्तेमाल किया, तब से हम इस पे डेप लगाएंगे, ठीक है। हाँ, वो आपने क्लास में बताया था मैंने, लास्ट से लास्ट क्लास में, कि हाँ जबकि हाँ जब यूज करेंगे तभी डेप लगाएंगे। तो क्या कहता है यहाँ पे, फर्दर प्लांट 10,000 स्पेंट ब्रिंगिंग द सेम यूज एंड डेप्रिसिएशन हैज बी प्रोवाइड 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, और डेप्रिसिएशन जो लगेगा 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से होगा ड्यू टू, एंड कहता है डेप्रिसिएशन फुल ईयर ऑल एक्विजिशन मेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। कहता है कि भैया डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाइएगा, चाहे आपने साल के कभी भी एसेट्स को खरीदा हो। तो एक जो कन्फ्यूजन चल रहा था कि 15 मार्च में हम 15 दिन का कैसे लगाएंगे, वो कन्फ्यूजन इस लाइन ने खत्म कर दिया कि उसमें कब कितना डेप लगाना है, पूरे साल का। अगर कहता है कि एक्विजिशन ड्यूरिंग द एनी ईयर एंड इग्नोर डेप्रिसिएशन ऑन डिस्पोज ऑफ, यानी जब बेच दोगे तो उस साल का डेप्रिसिएशन आपको लगाना ही नहीं है, ये बातें इसने कह दी। आगे कहता है नन ऑफ एसेट्स इंश्योर्ड, कोई एसेट्स इंश्योर्ड ना, द अकाउंट क्लोज एनुअली 31 मार्च, 1 अप्रैल 2019, इट वॉज डिसाइड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एग्जिस्टिंग ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड। आपको प्लांट एंड मशीनरी और जो जो अकाउंट बोला गया है वो हमें बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी और जो अकाउंट बोला गया है वो हमें बनाना है। यहाँ पे समझ में आया क्वेश्चन, पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं, वर्किंग के नोट के बाद मेरा काम थोड़ा सा और जल्दी जल्दी आसान हो जाएगा। तो अगर मैं वर्किंग नोट की बात करूँ तो सबसे पहले माइनस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन, तो सर 31 मार्च है तो पूरे साल लगेगा, 10% के हिसाब से 8400, और ये जो डेट आएगा 1/4, 1/4 क्या आएगा बताओ, 17, बताइए माइनस करके क्या है, 75,000। अब आ गया 31/12, सॉरी 31/3, 18, अब फिर से 8400, बताइए 67 200, ठीक है 67 200, फिर डेप लगेगा इस पे 1/4/18, अब 31/3/19, लेकिन सर 31/3/19 तक तो गया ही नहीं, 31/1/19 में ही बेच दिया, 31/3/19 तक तो गया नहीं, 31/1/19 में ही बेच दिया, और बोला भैया जिस साल तुम बेचोगे ना उस साल डेप लगाना ही नहीं है। तो भैया अगर आपने इसको 9-10 महीने इस्तेमाल भी करा तो भूल जाओ, सीधा हम यहीं पे क्या कर देंगे, बैंक से सोल्ड कर देंगे, समझ में आई बात। और 2,000 का बेचा तो 65,200 का नुकसान हो गया, ये पूरा लॉस हो गया, प्योर लॉस है ये, कोई दिक्कत समझ में आए, ठीक है। तो इस पे चेंज मेथड का तो कोई कहानी था नहीं। अब दूसरा एक M2 को देख लेते हैं, M2 में क्या कहता है, M2 को ये खरीदा इसने, डेप्रिसिएशन लगेगा 31/3/2019, सर 6 महीने का डेप लगेगा, 5-10% का यानी सर 2,500, ये आ गया सर 42-47,500, और ये आ गया सर 1/4/2019। अब 1/4/2019 को ही फैसला ले लिया गया कि हम डेप्रिसिएशन को अब 20% करने वाले हैं, एज पर कौन से मेथड, WDV, एज पर WDV, सही चल रहे हैं ना हम, अब WDV से लगा देंगे हम, 31/3/2020 तक लगेगा, WDV कितने 20%, तो कितना होगा हमारा 8,750 यानी 9,500, ठीक है करेक्ट। अब सर यहां पे आ जाते हैं इस वाले थर्ड पे, तो सर ये तो पहले ही हमारा WDV से चलेगा क्योंकि खरीदा बोला जिस साल खरीदा हो वो पूरे साल का डेप लगाओ, और खरीदा किस साल है 19 में ही, और 19 20 का ही करना, और 19 में फैसला भी हो चुका है कि कौन सा डेप्रिसिएशन लगना है हमारा एज पर न्यू मेथड। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन कितना लगाने वाले हैं बताओ, 20%, और 20% का मतलब 14,000। आप देखो यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया, गलती कर दिया, क्वेश्चन में बोला था ना कि जिस साल खरीदोगे फुल ईयर का चार्ज करना, लेकिन फिर भी हमने पहली बार कितना लगा दिया, और कितने महीने का ये
तो गलत हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब खरीदा हो तो कितना लगाओ, पूरे साल का। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, मैंने जानबूझ के यहाँ पर लिख दिया था कि आपको बताऊं, बच्चे ये करके आ जाते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ये नहीं करना। यानी सर ये सब कुछ आपका गणित जो फटाफट से आप आंसर दे रहे थे, मन में सोच रहे थे, सब गलत हो गया। तो सर यहाँ पे डेप्रिसिएशन आएगा, सर डेप्रिसिएशन पूरे साल का ही लगेगा 5,000, दैट इज 45,000, और ये आ जाएगा हमारा 1/4/2019, और अब लगेगा हमारा डेप्रिसिएशन एज पर WDB 9,000 रुपए, और ये बचा मेरा कितना 34,000 रुपए, या 36,000। अब देखिए कोई दिक्कत, पहले आप वर्किंग नोट समझ में आ गया, तो मैं पोस्टिंग करूं क्या? पोस्टिंग करेंगे हम, पहले ये प्लांट है, तो हमने कब खरीदा, 1/4/16, क्या करें, टू बैंक से कितने का, 84, करेक्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारा डेप इसमें लगेगा तो नहीं, इसका डेप इधर आएगा इस वाले अकाउंट में, तो हम 31/3 को बाय डेप्रिसिएशन, थोड़ा स्मॉल लिख रहा हूँ, बड़ा कर देते हैं, चलो वर्किंग नोट की जरूरत तो है नहीं, थोड़ा छुप भी जाए तो कोई बात नहीं। हाँ, प्लांट ही है सेकंड वे। अच्छा ऊपर, वो तो मैंने उसको कॉपी किया था ना, ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस, ठीक है, करेक्ट, समझ में आ रहा है। एक साल कंप्लीट। अब ये चेक करो क्या 2016 और 17 के बीच में कोई मशीन खरीदा है क्या? ये तो सर 18 में खरीदा है, ये 19 में खरीदा है, तो इस साल कोई खरीदा नहीं है, पहला साल हमारा कंप्लीट होता है, इसको डन कर देते हैं। और ये सवाल ना 15 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, आया हुआ सवाल है ये, क्वेश्चन आपके 5 आएंगे। हाँ, ऑप्शन में रहेंगे। अब ये डेट आ गया 1/4 और टू बैलेंस BD कितना आएगा सर, 84,000। इसका भी बैलेंस करो, बस इसमें ना एक बच्चा ना एक बात से परेशान हो जाता है, बार बार बैलेंस CD BD करना पड़ता है दो दो जगह पे, और टू बैलेंस, और ये आएगा 31/3/18, 1/4/17, 1/4/17, और बाय बैलेंस, अब 17 और 18 के बीच में आ चुके हैं, तो 17-18 में भी देखा जाए ना, तो 18 में तो मशीनरी खरीद लिया है या नहीं खरीदा, 17-18 में, 17-18 में नहीं खरीदा हमने, 19-20 में गया है ये, 18-19 में जाता है हमारा। 17 और 18 कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2018, जबकि ये बाद में आ रहा डेट, तो नहीं खरीदा इस साल भी, इस साल का भी डेप लगा देते हैं सर, बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन अगेन 8400, और ये लगेगा 31/3 को, और इसमें तो डेप लगेगा नहीं, ये तो ऐसे ही घूम जाएगा। और फिर से आ जाएगा बाय बैलेंस, और ये आ गया हमारा 31/3। अब ये डेट आएगा 1/4/18 और टू बैलेंस BD कितने का, अब इस साल मशीनरी खरीदा है हमने, इस साल हमने मशीनरी खरीदा है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा टू बैंक कितने का खरीदा है, ये 50,000 का, ठीक है ना, ये उससे अगले साल में खरीदा है, लेकिन इसी साल सर इसको बेच भी दिया, इसको कब बेचा है, 19 में, तो इसी साल में बिका है हमारा, 18-19 के बीच में बिका है, क्योंकि 19 कब खत्म होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, और इसे बेचा कब गया, ये, हाँ तो बोलता रहा हूँ 18-19 में बेच दिया गया, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, कब बिका है, यानी इसी साल में बेचना है ना हमें, समझ रहे हो ना। अब इस साल जब बेचेंगे तो लॉ रूल रेगुलेशन PPE AS 10 क्या कहता है भाई साहब, मशीनरी अकाउंट में से आप जब बेचेंगे तो बाय साइड में दिखा दीजिए जितने का भी बेचा है,
तो ठीक है सर, बाय साइड में दिखा देते हैं जितने का बेचा है, बाय बैंक से सोल्ड कितने का बेचा, 2000 का, और इसका लॉस भी इधर दिखा दीजिए, पी एंड एल से लॉस, सर लॉस कितने का है सर, 65200, 65200। और सर ये डेट होगा स्टार्टिंग में ही मान के चलो बेचा, हालांकि इसने बोला है कि मैंने जो बेचा है ना 1 जनवरी को बेचा है, 31 जनवरी को ना, 31/12 कर देते हैं, 31/1 कर देते हैं, और 31/1। अब एक और काम रह जाता है मेन काम, इस अकाउंट से डेप्रिसिएशन निकाल के बाहर कर दो जो मशीनरी बेचा है, तो हम क्या कर देंगे, टू मशीन प्लांट अकाउंट, और सर जो बेचा है ना उसका टोटल डेप देखोगे ना तो कितना होगा, दो ही बार तो डेप लगा, एक ये डेप और एक ये डेप, यानी 16800, 16800। हाँ अभी और भी लिखेंगे, बंद थोड़ी कर रहा हूं मैं उसको, अभी तो पहले दिन का काम करा मैंने। अब हमने एक मशीन और खरीदा, उस मशीनरी का डेप, अच्छा इसको एक और साल ले जाना है आगे, ओके ओके ओके, ये गलत हो गया, मेरे को लगा हम थर्ड ईयर में आ गए हैं, 16800 टू बैलेंस, 16800 ये 31/3, 1/4 बाय बैलेंस पीडी 16। अब ठीक है, अब इस साल एक और डेप लग जाएगा बाय डेप्रिसिएशन नंबर 2 पे, और 2 पे कितना हमारा 5000 रुपये, 1 पे नहीं लगेगा, हालांकि 1 बहुत दिन इस्तेमाल करने के बाद बेचा है, सवाल ने कहा है उसमें डेप मत लगाना जिस साल बेचो, तो इसलिए 1 पे नहीं लगे, इस अकाउंट से निकाल के बाहर कर देते हैं, तो टू प्लांट 16800 निकल गया, और ये यहां पहुंच जाएगा बाय PFD 16800। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं सर, टोटल आ जाएगा 13 और बाय बैलेंस 50000। डेट ये तो 31/1 ही रहने वाला है, ये 31/3 हो जाएगा, चलो यहां तक देखो सर, इसको भी बंद कर देते हैं क्लोज, 50 लिख दिया, 16 और 5 21800। अब देखो इसका लिखने का ना मेरा कारण था, मैंने टोटल वोटल नहीं किया, इन सबको जोड़ के ये माइनस करो, तो इसका भी लिखने का एक कारण है, कैसे आता है क्योंकि इस मशीन में वही मशीन का कॉस्ट लिखा जाता है जो मशीन है, अब हमें पता है दो मशीन है, एक मशीन की कीमत कितनी 84, एक मशीन के 85, 84 वाला बिक गया तो बचेगा कितना 85, 50 वाला, सिंपल सी बात है, तो टोटलिंग करना ही नहीं पड़ा, सीधा वही आएगा, आप करके भी देखोगे तो वही निकलने वाला है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस CD, अब यहाँ पे CD भी देखो बड़े आसानी से निकल सकता है सर, एक ही तो बचा होगा 5000, खत्म कहानी, बाय बैलेंस BD 5000, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 1/4 एक साल और कंप्लीट करना है, और इस साइड भी आ जाएगा टू बैलेंस BD 50000, एक और खरीदा 70 का, चलिए एक और खरीद लिया, ये आ गया 1/4/19 है ना, और उसके बाद एक और खरीदा, कब खरीदा भाई साहब, ये 21/4/19 को टू बैंक, और खरीदा 70 का, इकट्ठा डाल दो, लेकिन एक्चुअल देखा जाए 70 गलत लिखा है सर, मैंने पहले खरीदा कितने का 60, अगर डेट सेम होता तो 70 कर देते, तो पहले कितने का खरीदा 60, फिर से इस पे स्पेंड किया जिसको मैं बैंक से ही लिखने वाला हूं, फिर किया 10 का, ये कब किया 15/5, तो इन बातों का ख्याल रखना है, अगर सेम डेट पे होता ना तो मैं सीधा इकट्ठा लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेट अलग अलग है, तो इसलिए
हाँ नहीं, जिस डेट से करा था डेप्रिसिएशन उस डेट से लगेगा। ये इधर वाले चीज पे डेट लिख देने से इसका मतलब थोड़ी है कि हम इस पे डेप लगा देंगे। इस डेट से तो पैसा गया है और डेप्रिसिएशन तो साल के एंड में लगेगा, तो डेप कैलकुलेट करने के लिए होगा। ठीक है, तो डेट का मतलब, अब इस पे डेप अगर मुझे बोलते ना लगाने के लिए, तो पुट टू यूज किस दिन है सर? इस डेट पे है, तो इस डेट से लगा था, क्योंकि सवाल ने पूरा कहानी बदल दिया कि उस पे पूरे साल का ही लगाओ। तो मैं ये सोचूंगा नहीं कि भैया पुट टू यूज क्या है हमारा। अब यहां पे देखा जाए तो भैया हमारे पास हो गए टोटल मशीनरी 7 और 5, 120 है ना, और ये टोटल हो गया 120 के, और यहां आ जाएगा बाय बैलेंस CD 120 के, और यहां आ गया 31,1। अब आ जाते हैं इधर, इधर आ जाते हैं, इधर लगेगा बाय डेप्रीसिएशन सर, डेप्रीसिएशन नंबर 2 पे फिर से लगेगा 9K, और फिर बाय डेप्रीसिएशन नंबर 3 पे और इस पे लगेगा 14K। टोटल कितने हो गए? 19, सॉरी 24 और 5, 29। आंसर आपकी किताब में हालांकि गिवन होगा इसका, टू बैलेंस 31। ये लीजिए। अब कई बच्चे बोलते हैं सर हमने पहले सीखा था कि बैलेंस सीडी को बीडी बनाना होता है, क्या इसमें आप नहीं बनाओगे? हाँ तो बनाना है ना, आप बना सकते हो इसको बीडी, कि एक साल का और करोगे। जैसे ये बैलेंस सीडी है ना, तो इसको लिख दोगे आप 1-1, इसको लिख दोगे आप 1-4-20 और टू बैलेंस BD, और यहाँ लिख दोगे आप 120K। सेम ऐसे आप यहाँ का जो CD आएगा उसको BD बना दोगे बाय बैलेंस, और यहाँ बना के छोड़ देंगे। सर ऐसा करते क्यों है, बना के क्यों छोड़ते हैं? ताकि आगे आने वाले साल में फिर कंटिन्यू में हो जाए ये काम। ठीक है, ओ शायद 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 नहीं, टॉपिक तो है ही है, क्वेश्चन का नहीं पता। क्वेश्चन सामने दिख रहा है, JR मुंगा के ही सवाल है ये। पहले देखो आपका ये समझ में आया, चेंज मेथड भी हो गया, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में इससे मुश्किल सवाल तो नहीं हो सकता अगर देखो तो, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि पेपर आपका जो है डेप्रिसिएशन का पहले बड़ा मुश्किल था, अब आसान हो गया है जब से आपका पीछे से बैक डेट से डेप्रिसिएशन लगाने का और चेंज का डिफरेंस लेने का कहानी खत्म किया है, तब से आसान हो गया। इसमें तो बड़ा सिंपल है भैया, तुम जब मर्जी बदलो, जहां से बदला वहां से क्या लगा देंगे, नया वाला मेथड लगा देंगे, पीछे हमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पे एक हो सकता है पुरानी मशीनरी हो, तो पुरानी मशीनरी होगा तो हम यहाँ पे जो बैंक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसको किससे स्टार्ट करेंगे? टू बैलेंस BD से, और जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ना डेप्रीसिएशन, तो पहले बैलेंस BD आएगा और उसके बाद कहानी में आगे डेप्रीसिएशन। एक वैसा भी सवाल कर लेंगे, पहले यहां तक देखिए कोई डाउट। यस बिल्कुल, डेप्रिसिएशन चैप्टर में वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है।